मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा के रावटी पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी संगीता चारिल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को जिताने की अपील की है। वहीं विपक्ष कांग्रेस पर जमकर बरसे। और कब मजबूत बनेगी? देखो, जब उसका अपना बैंक में खाता हो, उसके नाम पे पैसा आए, उस पैसे को उसका अधिकार हो, जब चाहे पैसे निकाले और जैसे चाहे पैसा खर्चा करे, अपना उसका पैसा। और इसलिए ये पैसा नहीं है मेरी बहनों, ये तुम्हारा सम्मान किया है तुम्हारे भाई ने, तुम्हारा मान किया है तुम्हारे भाई ने, तुम्हारा विश्वास बढ़ाया है तुम्हारे भाई ने। और हर महीना तो मैं 10 तारीख को डालता था, इस बार कांग्रेसियों ने बहुत रोकी, चुनाव आयोग में गए कि ये मामा पैसा डालेगा, इसको रोको, चुनाव के समय पैसा नहीं डालना चाहिए। मामा कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। अरे चुपके से क्यों डालूंगा? अपनी बहनों के खाते में डालना है तो डंके की चोट डालूंगा, कोई मुझे नहीं रोक सकता। 7 तारीख को पैसा आ गया ना बहनों खाते में। और सुनना संगीता, जो बहनें रह गई जाकर कह दो भैया आया था। भैया दूज के दिन क्या क्या है कि जितनी बहनों के नाम छूट गए हैं, संगीता को जिताओ, फिर से मेरी सरकार बनाओ, मैं सबके नाम जोड़ लू। एक सब बहनों के नाम जोड़े जाएंगे। और नंबर 2, मेरी बेटियां मेरे पास आई और बोली मामा एक गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या? बोले आपने इसमें लिख दिया कि जिन बेटियों की शादी हो जाए उनको ही देंगे, हमें जल्दी शादी नहीं करनी, हमको तो पढ़ाई करनी है, हमको करियर बनाना है। तो सुनो दिल्ली बैठो, सुनो मेरी बहनों बेटियों, अब शादी हुई हो और चाहे शादी नहीं हुई हो, 21 साल की उम्र के बाद पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा, बेटियों के नाम भी जोड़। और केवल 1250 थोड़ी रखूंगा, पैसे की जुगाड़ में लगाऊं। बहने बहुत है ना मेरी, मैंने मेरी 1,32,00,000 तो हो गई, और ये जोड़ेंगे तो पता नहीं और कितनी होगी। अभी 1.5-2 करोड़, कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं जिसकी 1.5-2 करोड़ मेरी बहनें, और उनका हाथ मेरे माथे पे रहता है मेरी बहनों। 1,250 से बढ़ा के 1,500, फिर 1,750, फिर 2,000, फिर 2,250, फिर 2,500, फिर 2,500, फिर 2,750, और फिर कितने करूंगा? 3,000। जोर से बोलो, 3,000 करूंगा, तब मैं समझूंगा मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी बहनों की जिंदगी मैंने बदल दी। अरे मुख्यमंत्री आते जाते रहते हैं, इससे तो मेरी जिंदगी सार्थक हो गई। और मेरी सब बहनों से मेरा कहना है, यही नहीं रुकूंगा, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना, और अब बनाऊंगा लखपति बहना। मेरी बात को मजाक में मत लेना शंकर जी, लखपति बहना बनाऊंगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से अभी सुनते जाओ रे भांजो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हर बहन की आमदनी 1,00,000 रुपया से ज्यादा हर साल करूंगा, ये संकल्प। और किसान भाइयों, 1,250 बहनों को मिल रहे हैं तो 1,000 अपन को भी तो मिल रहे हैं भाई, 6,000 पीएम साहब के, 6,000 मैं दे रहा हूं, और 0% ब्याज पे कर्जा से लेके कई चीजें हैं। लेकिन अब गेहूं खरीदेंगे 2,700 रुपया क्विंटल, धान खरीदेंगे 3,100 रुपया क्विंटल, किसान को पसीने की पूरी कीमत दी जाएगी, चिंता मत करना मेरे बहनों और भाइयों। सबकी जिंदगी बदले, मेरे आदिवासी भाई बहनों की जिंदगी भी बदले, इसलिए पैसा एक मैंने धरती पर लागू किया है। और एक बात और, तेंदू पत्ते की तुड़वाई अब 3,000 नहीं 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा दी जाएगी। तेंदू पत्ता तोड़ने वाले भाई और बहनों के भी
फॉर्म में मैंने जूता चप्पल पहनाए तो कांग्रेस ने व्यंग किया, ये तो जूते चप्पल पहनाता है। मतलब तुम क्या जानो, जब नंगे पांव होते और कांटा गड़ता है तो उस दर्द को शिवराज ही समझ सकता है, क्योंकि वो कांटा पांव में नहीं मेरे सीने में चुभता है। मेरे भाई और बहनों के साथ मेरा अंतर आत्मा का नाता है। और मेरे भांजे भांजियों, मामा मामा कहकर दौड़ते हैं हर जगह, अब एक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन। मेरे बेटा बेटियों, गरीब निम्न मध्यम वर्गीय किसान सब बेटा बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े, प्राइवेट स्कूल से बेहतर स्कूल बने, इसलिए सीएम राइज स्कूल बना रहा हूँ। एक एक स्कूल की बिल्डिंग की कीमत 40 करोड़ रुपया। लाइब्रेरी सैलाना विधानसभा में दो है, लेकिन संगीता जी दो नहीं, मैं 10 सीएम राइज स्कूल सैलाना में बना। हर 25-30 किलोमीटर में एक स्कूल बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। अरे अरबपतियों के बेटे जैसे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनसे बेहतर स्कूल बना के दूंगा मेरे बच्चे के बेटे बेटियों को, भांजे भाइयों। और फीस नहीं लगेगी, फीस मेरे बच्चों नहीं लगेगी, फीस मामा भरवाएगा, बस के पैसे भी मामा देगा। अच्छे नंबर लाओगे, मामा लैपटॉप भी देगा। कांग्रेस ने लैपटॉप बंद करवा दिए थे मेरे। और अच्छे नंबर लाओगे तो मामा स्कूटी भी दिलवाएगा। रे भांजे भांजियों, चिंता मत करना, कमलनाथ ने तो साइकिल तक छीन ली थी साइकिल, अब ये स्कूटी भी मिलेगी। और सुनना मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी मेहनत से तुम्हारा अगर उच्च शिक्षण संस्थान में एडमिशन होगा, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, कहीं भी हो, तो कोई भी बेटा बेटी मेरा हो, उसकी फीस उसके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और अगला हमारा लक्ष्य है प्रत्येक परिवार एक रोजगार। इसको ध्यान से सुनना, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। हर परिवार में एक रोजगार देके रहेंगे, कोई बेरोजगार ना रहे, हमारी कोशिश होगी। मेरे साथ बोलिए प्रत्येक परिवार, आप एक रोजगार बोलिए, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार। यह हमारा आगे का विजन है। कांग्रेस ने तो सब योजना बंद कर दी थी, मेरी बेटियों की शादी तक बंद कर दी थी कन्याओं की। अब बेटियों की शादी पे 1 लाख रुपया विदाई दी जाएगी, ताकि मेरी बेटियों की जिंदगी जस्ती आसानी से चले। और मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में देंगे, और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आए, मैं केवल काम काम की बात कर रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, बिजली के बड़े बड़े बिल आए तो जाके कह दो, मैं भरवाऊंगा, भैया भरवाएगा। आप पे 100 रुपया महीने ही बिजली का बिल आएगा, ठीक है? अरे ठीक है, बोलो भारत माता की। आपकी जिंदगी बदलना है मेरे बहन और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलना है। इसलिए और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, सब ध्यान से सुनना, जिनके कच्चे घर हैं, अभी कई जगह आते हमारा नाम पीएम आवास योजना में छूट गया है, तो जिनके मकान पीएम आवास योजना में नाम छूट गया है, उनके लिए हमने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। सर्वे हो गया है, नारायण जी, मोदी जी, आप भी जाके कह दो कि जिनके आवेदन भरा गए, जांच करके स्क्रूटनी करके सबको पक्के मकान के लिए पैसा देंगे, कोई कच्ची झोपड़ी में नहीं रहेगा। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने कभी कुछ दिया क्या? अरे जोर से बताओ, दिया क्या? विकास किया क्या? सड़कें बनाई क्या? खाते में पैसा डाला क्या? योजना और छोड़ा दी सारी की सारी? तो बताओ, ऐसी कांग्रेस को वोट देने से कोई फायदा है क्या? तो आज मैं अपील करने आया हूं, एक बार आपने भारतीय जनता पार्टी को जिताया था, अपन ने कितने 2000 करोड़ के काम कर, और आज संगीता चारेल और नेतृत्व बैठा है पूरा मेरा, मैं इनको आश्वस्त करके जा रहा हूं, आप भाजपा को जिताओ, मेरे पास पैसे की कमी नहीं है, मैं यहाँ के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। संगीता को आशीर्वाद दीजिए, और राव जी को नगर परिषद बनाना है, बना देंगे यार, मामा के बाएं हाथ का खेल है, बना के दे देंगे।
और माही नदी में केसरपुरा पे पुल भी मामा बनवाएगा। और तेजाजी बांस के नाले पर भी रपटा बनवाएंगे। और तंबोलिया किशनगढ़ झाबुआ के लिए आम लोगों की सुविधा के लिए तंबोलिया में भी माही नदी पर पुल बनवाएंगे। और मुरगज इमली पाड़ा जामन नदी पर भी रपटा बनवाएंगे। अरे और बता देना, कमलनाथ रोते रहते थे मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो काय बन गए मुख्यमंत्री? पैसा नहीं, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, चिंता मत करना। लटभरपुरा में क्या करना, लटभरपुरा तालाब भी बनवा देंगे। अरे बाजना भी बना देंगे यार, मामा है कोई, कमलनाथ थोड़ी है। और जितनी छोटी डीपीआ है 63 की, वो सब 100 में कर देंगे। अब आपका आशीर्वाद सबका मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, संगीता को विधायक बनाएंगे, मामा को आशीर्वाद देंगे। मेरी बहनों ये समझ लेना, कांग्रेस आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब गड़बड़ कर देंगे। इसलिए तुम भी निकल जाओ, 2-3 दिन तो बचे, मामा ही को घूमे, बहने भी घूमे, चलो भैया को वोट देना है, भैया की पार्टी को देना है, संगीता को देना है, बीजेपी को देना है, तो उठाओ मेरे साथ दोनों, बांधो दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी संगीता चारोल को जिताने का संकल्प लो। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री।